मेरा नाम कुशल कुमार, ये मारुति सुजुकी ब्रीजा का BXI वेरिएंट जो कि सेकंड बेस मॉडल रहने वाला है। मैंने आपको इस कार का एक लोअर वेरिएंट दिखाई दिया था जो कि LXI वेरिएंट था। अगर आप वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में बात करते हैं तो उसका LXI वेरिएंट ही है जो कि वैल्यू फॉर मनी है। पर लेकिन उस वाले वेरिएंट में आपको बेसिक फीचर्स नहीं मिलते हैं, ना ही आपको उसमें 2D का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, ना ही आपको रियर में हेडरेस्ट मिलेंगे। आपको आफ्टर मार्केट वर्क कराने की जरूरत जरूर पड़ेगी। अगर आप अपनी कार में आफ्टर मार्केट वर्क कराना नहीं चाहते तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप के BXI वेरिएंट के साथ जाइए। इस वाले वेरिएंट में आपको सभी बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं। 1,35,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस रहने वाला है LXI और BXI वेरिएंट में। ये इसका CNG वेरिएंट रहने वाला है। अगर आपको CNG वेरिएंट चाहिए तो आपको उसके लिए 1,28,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे और जो CNG वेरिएंट का प्राइस रहेगा वो 1,238,000 रुपीज रहेगा। ये ऑन रोड प्राइस है रुड़की उत्तराखंड का। तो विषय मैं कर रहा हूँ शाकुमरी मारुति सुजुकी शोरूम पर। इनके कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब कोई सी मारुति कार चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो वेटिंग पीरियड है LXI वेरिएंट का वो भी 1 ईयर हो गया है, तो आपकी मजबूरी बन जाती है फिर BXI वेरिएंट के साथ जाना। काफी ज्यादा डिमांड हो गई है इसके LXI वेरिएंट की। तो चलिए फिर अगर मैं इस कार की से तो उस तरह की आपको इसका में की मिल जाएगी। रिमोट सेंटर लुकिंग रहने वाली है जिस पर आपको लोक अनलॉक का मिल जाएगा। सुजुकी का रहने वाला है लोगो, तो दोनों की आपको उसमें सेम दी जाती है। और ये फ्रंट प्रोफाइल इस कार की, फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे और इंडिकेटर में रहने वाला बल्ब। और ये ग्रिल इस कार की सुजुकी का हो गया। यहाँ पर लोगो और यहाँ पर आपको क्रोम मिल जाएगा। फोग लैंप आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, इस पर वेरिएंट में आपको फोग लैंप्स दिए जाएंगे। फिर ओवरऑल कुछ तरह की लगती है फ्रंट प्रोफाइल। और ये साइड प्रोफाइल इस कार की 16 इंच की आपको उसमें स्टील व्हील्स मिल जाएंगे विद व्हील कवर्स, जो कि आपको बेस वेरिएंट से उस तरह के स्टील व्हील्स और व्हील कवर्स ऑफर करे जाते हैं। 215/16 की प्रोफाइल रहने वाली है। इन सुपर की साइड होगी क्लैडिंग जो कार की पूरी बॉडी तक रहेगी। और ये इस कार का ओआर जो कि आपको बॉडी कलर का इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल दिया जाएगा। ए पेयर हो गया ब्लैक कलर का, CNG का स्टिकर मिल जाएगा आपको यहाँ पर, CNG वेरिएंट रहने वाला है। डोर हैंडल हो गए बॉडी कलर के और बाहर से देखने में उस तरह का लगता है इंटीरियर कार का। जब मीटिंग में चलूंगा तो आपको सभी फीचर्स दिखा दूंगा इसका, ऑफर करे जाते हैं आपको। बी पिलर हो गया ब्लैक कलर का, फ्यूल लीड होगी को ड्राइवर साइड। फिर ये कंबाइंड लुक बैक और साइड प्रोफाइल की। और ये बैक प्रोफाइल, ऊपर की साइड आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाएगा, रियर स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, रियर वाइपर और बोस्टर जैसे फीचर्स आपको इसमें नहीं मिलते हैं, वो आपको इससे अपर वेरिएंट में दिए जाएंगे। CNG का हो गया स्टीकर, डिफोगर मिल जाएगा आपको जो कि आपको BS वेरिएंट यानी कि LXI वेरिएंट में ऑफर नहीं करा जाता है। और ये इसकी LED टेल लाइट, इंडिकेटर बैक लाइट हो गया, बल्ब, सुजुकी का लोगो हो गया, ब्रीजा की बैजिंग स्पेस देकर लिखा गया है। नीचे साइड हो गया 4 पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर्स हो गए। अब चलिए फिर मैं आपको इस कार का बूट दिखाता हूँ फिर कितना स्पेस मिल जाएगा आपको इस कार के बूट में CNG टैंक होने के बाद, हिसाब से कितना बूट स्पेस रहेगा CNG टैंक होने के बाद। तो ऐसा नहीं देखो सर, अगर इस कार का एक्सटीरियर लुक, रियर डिफोगर के अलावा कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो आपको LXI वेरिएंट में ना दिया जाए। और जो मेन फीचर्स में डिफरेंस रहने वाला है वो उस कार के इंटीरियर में। जब मैं इंटीरियर में चलूंगा तो आपको वाले फीचर्स दिखा दूंगा। K15C स्मार्ट हाइब्रिड आपको उसमें इंजन मिल जाएगा 1500cc का, जो कि प्रोड्यूस करता है 101 BHP की पावर, 136 Nm का टॉर्क। तो चलिए फिर मैं आपको उस कार का इंटीरियर दिखाता हूँ फिर क्या क्या ऑफर करा जाएगा आपको उस कार के इंटीरियर में। तो कुछ तरह का रहने वाला है इंटीरियर कार का जो कि पूरा ब्लैक कलर का रहने वाला है। और ये ड्राइवर साइड डोर, ये भी आपको पूरा ब्लैक कलर का मिल जाएगा। डोर हो गया ब्लैक कलर का, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORBM, चारों पावर विंडो कंट्रोल्स हो गए लॉक अनलॉक के लिए, वाटर बॉटल के लिए स्पेस हो गया, डॉक्यूमेंट स्पेस, स्पीकर हो गए। बाहर से देखने में कुछ तरह का लगता है इंटीरियर कार का। और ये ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट अटैचमेंट हो गया फीचर और क्लाइन करने का। और ये कार का बैक डोर, डोर हो गया ब्लैक कलर का, पावर विंडो हो गई, वाटर बॉटल के लिए स्पेस हो गया, डॉक्यूमेंट स्पेस, स्पीकर। तो वैसा कुछ तरह का रहने वाला इंटीरियर कार का। सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं क्या क्या ऑफर करे जाते हैं आपको इस वाले वेरियंट में। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से। तो लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील तो आपको उसमें नहीं मिलता है, ये इसका एसरीज का पार्ट रहने वाला है। स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल्स हो गए, सुजुकी का लोगो हो गया, सर्कुलर में आपको क्रोम मिल जाएगा। और ये इस कार का इंस्ट्रूमेंट, हार्डवेयर मीटर हो गया यहाँ पर, और ये स्पीडोमीटर, बीच में कुछ साइज की होगी MID जिसमें आपको पेट्रोल का और CNG का आपको दिखता रहेगा मीटर, कितना चल गया कार, क्या माइलेज दे रही है, वो सब कुछ आपको उसमें दिखता रहेगा। टेम्परेचर, बोझ, यहाँ पर कुछ अलर्ट लाइट दी गई है। और ये ड्राइवर साइड AC वेंट, यहाँ पर आपको ग्रे फिनिश मिल जाएगी। ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए होगी यहाँ पर, बट CNG में शिफ्ट करने के लिए होगी यहाँ पर बटन। और ये सेंटर कंसोल इस कार का, 7 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ रहेगा। और यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में ग्रे फिनिश मिल जाती है। AC वेंट्स हो गए, हजार्ड लाइट हो गया बटन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC दी जाती है। और ये को ड्राइवर साइड डोर, पावर विंडो हो गई, वाटर बॉटल के लिए स्पेस हो गया, डॉक्यूमेंट स्पेस, डोर ओपनर ब्लैक कलर का। कितने साइज का रहेगा इस कार का ग्लव बॉक्स। और ये फ्रंट सीट इस कार की, जिनमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और ये ड्राइवर साइड सनवाइजर, वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर नहीं मिलता, सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाएगा। IRBM, मैनुअल डे नाइट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी।
पुरेरा को ड्राइवर साइड सन वाइजर, वैनिटी मिरर, ग्रैब हैंडल। तो ओवरऑल कुछ ज्यादा फ्रंट सीट पर बैठकर जो फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं वो तो मैंने आपको बताई दी है। अब चलिए फिर लेके जाते उस कार की रियर सीट पर, वहां पर आपको इतना स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ जिससे आपको सही से आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम वहां पर। मेरी हाइट 6 फीट है तो कितना लेग रूम रहेगा इस कार में। वो रियर सीट पर बैठक उस तरह का लगेगा। डैशबोर्ड जिसमें आपको दिखाई दिया फ्रंट में आपको कोई भी कैबिन लैंप नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको कैबिन लैंप मिल जाएगा। मिड में फ्रंट में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट और बैक में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं दिए जाते हैं। वो रेड इसी वेंट्स हो गए यहाँ पर। तो ओवरऑल कुछ तरह का लगता है इस कार का इंटीरियर। जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर में मिल जाते हैं वो मैंने आपको सभी दिखा दिए हैं। तो भाई ओवरऑल कुछ तरह का इस कार का इंटीरियर, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर में मिल जाते हैं मैंने आपको सभी दिखा दिए हैं। 135,000 बीच का प्राइस डिफरेंस रहने वाला है एलेक्स है बी एक्स वैन में, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई दिया था। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जानना आपकी सिटी में क्या इस कार का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपकी सिटी का नाम, मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। और जो एक्सटर्नल फीचर्स है जैसे मैंने आपको बताया दिया था, सिर्फ डिफोगर ही है जो आपको बी एक्स इवेंट में दिया जाएगा। एलेक्स इवेंट में आपको नहीं ऑफर करा जाता है एक्सटीरियर से। और इंटीरियर में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन एंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, 4 स्पीकर मिल जाएंगे और जो एंफोटेनमेंट सिस्टम रहेगा वो आपको एंड्रॉइड ओल्टन एप्पल कार प्ले के साथ दिया जाएगा। स्टीयरिंग मोड कंट्रोल्स हो गए, पावर फोल्डिंग मिरर, ड्राइवर साइड सीट हाइट सीमेंट का फीचर, कुछ ऐसे फीचर्स आपको 1,36,000 रुपीज के प्राइस में दिए जाएंगे। अगर आपके वाले फीचर्स बढ़ते लगते हैं तो आप इसके बी एक्स इवेंट के साथ जा सकते हैं, वरना जो वेटिंग है एलेक्स इवेंट वो भी काफी ज्यादा है, तो फिर आपकी मजबूरी बन जाती है इसके बी एक्स इवेंट के साथ जाना। अगर वेटिंग पीरियड कम है तो आप इसके एलेक्स इवेंट के साथ जा सकते हैं, वो भी काफी बढ़िया और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो चलिए फिर आपको इस कार की और वेरिएंट की वीडियो देखनी है या किसी और कार का बोक राउंड देखना है तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पर देखने के लिए आपका धन्यवाद।